नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान बेशक अभी नहीं हुआ हो, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी जो है वो जोरों पर है और पंचायत चुनाव में शिकायतों का निपटारा करने के लिए कॉल सेंटर का भी निर्माण करने की योजना है। कॉल सेंटर के जरिए पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी। तो रोज हम आपके लिए पंचायत चुनाव से जुड़ी एक खबर सुबह 8 बजे लेकर आते हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पंचायत चुनाव से जुड़े चार अहम अपडेट क्या कुछ हैं। सबसे बड़ी खबर पंचायत चुनाव को लेकर ये है कि पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि कॉल सेंटर का निर्माण किया गया है। तीसरी बड़ी खबर ये है कि इस कॉल सेंटर के जरिए जो शिकायत है उसको देखा जाएगा, सुना जाएगा, समझा जाएगा और शिकायतों का निपटारा भी किया जाएगा। चौथी अहम खबर ये है कि ईवीएम से बिहार के पंचायत चुनाव होने हैं और इसको लेकर जिलों के डीएम को सख्त निर्देश दिए गए हैं। पटना में एससीसी यानी कि राज्य चुनाव आयोग के ऑफिस में इस कॉल सेंटर का निर्माण किया गया है। इसका नंबर जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप पंचायत चुनाव से जुड़ी कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि कहीं कदाचार नजर आ रहा है तो उस बारे में भी आप राज्य निर्वाचन आयोग को इन्फॉर्म कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर है 1800-3457-243। बता दें कि कॉल सेंटर के जरिए आप अपनी शिकायत तो दर्ज करा ही सकते हैं, साथ ही आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप पंचायत चुनाव से जुड़ी अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। और जो आपकी शिकायतें हैं वो दूर हुई या नहीं इसको लेकर भी मॉनिटरिंग का प्रावधान है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम से कहा है कि 20 अगस्त तक आप ईवीएम मशीन की प्रारंभिक जांच कर लें, क्योंकि इस बार का जो पंचायत चुनाव है वो कई मायनों में खास है। इस बार का पंचायत चुनाव ईवीएम मशीन के जरिए होने वाला है। पंच और सरपंच के पद के प्रतिनिधियों का चुनाव तो मतपत्र के जरिए होगा, लेकिन इसके अलावा जो मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं और जिला बोर्ड सदस्य हैं, उनके पदों के प्रतिनिधियों का चुनाव ईवीएम मशीन के जरिए होगा। और इस ईवीएम मशीन के साथ साथ जो कंट्रोल यूनिट है उसकी निगरानी के लिए वीडियोग्राफी और सीसीटीवी के भी इंतजाम है। तो रोज सुबह हम आपके लिए ऐसे ही 8 बजे पंचायत चुनाव से जुड़ी एक रिपोर्ट लेकर आते हैं। अगर आपकी भी पंचायत चुनाव में दिलचस्पी है तो 8 बजे इस रिपोर्ट को जरूर देखें और साथ ही बिहार की खबरों के लिए देखते रहिए बिहार।